तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूं। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूं, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 25 फरवरी 2019 पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से 10 तक। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वे सदा उसके पास विद्यमान है। समुद्र तट के बालूकण, वर्षा की बूंदे और अनंत काल के दिन कौन गिन सकता है? आकाश की ऊंचाई, पृथ्वी का विस्तार और महागर्त की गहराई कौन नाप सकता है? किसने ईश्वर की प्रज्ञा का अनुसंधान किया जो सबसे पहले विद्यमान थी? सबसे पहले प्रज्ञा की सृष्टि हुई थी। विवेकपूर्ण बुद्धि अनादिकाल से बनी हुई है। प्रज्ञा का स्रोत है स्वर्ग में ईश्वर का शब्द। प्रज्ञा के मार्ग हैं शाश्वत आदेश। प्रज्ञा की जड़ तक कौन पहुंचा है? उसकी बारीकियां कौन समझता है? प्रज्ञा की शिक्षा किसको मिली है? उसके विविध मार्ग कौन जानता है? परम श्रद्धेय प्रभु की प्रज्ञा संपन्न है, वे अपने सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु ने ही प्रज्ञा की सृष्टि की है, उसने उसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया है और उसे अपने सभी कार्यों में सन्निविष्ट किया है। उसने उसे अपनी उदारता के अनुरूप सब प्राणियों और अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 29 तक। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अवधूत के वंश में है आपके पास ले आया हूँ। वे जहाँ कहीं उसे लगता है उसे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगलता हुआ दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही
अपदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फैन उगलता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इसे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अपदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उसे कहा, यदि आप कुछ कर सकें। विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को ये कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अब दूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे, ये मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुंचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से ये जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।